Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, राजकीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ब्लाइंड से रिलेटेड किसी भी वीडियो को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कीजिए। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। और आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे झूठ बोल सकता हूँ मगर खुद से झूठ कैसे बोलूं। हाँ, मैं तुम्हें नहीं भूल पाया हूँ और अब शायद कभी भूल भी नहीं पाऊंगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए अब आप हमें जिली ऐप पर फॉलो करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। डबल टैप टू एक्टिवेट। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वागत है आप लोगों का राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ आपका दोस्त राहुल। जी हाँ दोस्तों, आ गया हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जरूर पहुंचे। और जी हाँ गाइस, अभी तक आप लोगों ने हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे अबाउट पेज में हमारे व्हाट्सअप चैट का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट करके हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। फीमेल्स के लिए भी अलग से ग्रुप बनाया गया, तो फीमेल्स भी हमें कॉन्टैक्ट करके हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकती हैं। गाइज, वैसे हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9654223684, 9654223684, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। तो गाइज, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें और हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जिसके माध्यम से आप काफ़ी सारे एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर सकते हो। तो अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ गाइस ज्वाइन करें। और अगर आप मोटिवेशनल और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हो भी शॉर्ट में, तो उसके लिए आप हमें जिली ऐप पर फॉलो कर सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए गाइस, हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँ कि आप अगर आपका कोई टेलीग्राम पर कोई चैनल है तो उसको आप अपने टेलीग्राम ग्रुप से किस तरीके से जोड़ सकते हो। और गाइस, टेलीग्राम ग्रुप की मैं कुछ और सेटिंग दिखाऊंगी। जैसे मान लो आप टेलीग्राम ग्रुप में ये भी कर सकते हो कि जैसे कौन मेंबर मेंबर आपके ग्रुप में क्या क्या मैसेज भेज सकते हैं, क्या क्या चीज़ नहीं भेज सकते हैं, है ना। तो पहला मैं आपको बताऊं कि आप टेलीग्राम पर अगर आपको कोई चैनल है तो उसको आप अपने ग्रुप के साथ किस तरीके से जोड़ सकते हो। जैसे मान लो आपके चैनल पर कोई भी कमेंट करेगा तो सीधा आपके ग्रुप में आएगा, है ना। और दूसरा, मैं टेलीग्राम ग्रुप की मैं कुछ सेटिंग दिखाऊंगा आपको, जिससे कि आप ये डिसाइड कर सकते हो कि क्या क्या चीज़ आपके ग्रुप के मेंबर्स भेज सकते हैं और क्या क्या चीज़ नहीं भेज सकते हैं। लेकिन गाइस, इससे पहले जो लोग जानते हैं वो लोग वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक और सभी के साथ शेयर जरूर करके जाएं। और जो लोग जानना चाहते हैं वो लोग इस वीडियो में पूरा अंत तक बने रहें, बीच में स्किप करके या फिर भगा करके ना देखें, है ना। तो गाइस, इससे पहले ही मैंने टेलीग्राम के ऊपर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बना रखे हैं, मतलब 3 पार्ट मैंने टेलीग्राम के ऊपर ऑलरेडी मैंने बना रखे हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो टेक्नोलॉजी वाली प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। हमारे चैनल पर विजिट करें, वहाँ पर टेक्नोलॉजी वाली प्लेलिस्ट में विजिट करें, आपको टेलीग्राम की तीनों वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो गाइस, टेलीग्राम का जो पार्ट 3 था, उसमें मैंने आपको बताया था कि टेलीग्राम चैनल क्रिएट करना और टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट करना, और टेलीग्राम ग्रुप चैनल की मैंने कुछ सेटिंग भी दिखाई थी। लेकिन गाइस, वो वीडियो 35 मिनट की हो गई थी, लेकिन अभी भी ग्रुप की बहुत सी सेटिंग है जो कि मैंने नहीं दिखाई है, है ना। तो गाइस, पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप टेलीग्राम पर अगर आपको कोई चैनल तो उसे आप अपने ग्रुप से किस तरीके से जोड़ सकते हो। उसके बाद मैं फिर ग्रुप की कुछ सेटिंग आपको दिखाऊंगा कि आप क्या क्या, मतलब ये किस तरीके से डिसाइड कर सकते हो कि आपके ग्रुप में क्या क्या मेम्बर्स भेज सकता है और क्या क्या नहीं भेज सकता। तो चलिए, पहले चलते हैं टेलीग्राम में और देख लेते हैं किस तरीके से अपने टेलीग्राम चैनल को ग्रुप से किस तरीके से जोड़ना है। चलिए, टेलीग्राम को मैं ओपन कर लेता हूँ। चलिए, टेलीग्राम को ओपन कर लिया है ना। हाँ, तो गाइस, टेलीग्राम को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे टेलीग्राम ओपन हो गया है ना।
तो गाइस यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि आप उसी चैनल को जोड़ सकते हो, चैनल भी आपका होना चाहिए, ग्रुप भी आपका होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि अगर मान लो चैनल आपका है, ग्रुप आपका नहीं है, आप किसी ग्रुप के एडमिन है, क्रिएटर नहीं है, तब आप अपने चैनल को नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, चैनल के भी आप ही क्रिएटर होने चाहिए और ग्रुप के भी आप ही क्रिएटर होने चाहिए, तभी आप किसी भी चैनल को अपने ग्रुप से जोड़ सकते हो। चलिए देखते हैं। तो गाइस जैसे कि है राष्ट्रीय ब्लाइंड, ये हमारा चैनल है टेलीग्राम पर, तो इसको मैं किसी ग्रुप से आपको बताऊं कैसे जोड़ना है। ठीक है, सबसे पहले तो गाइस मैं एक बार दोबारा बता दूं कि ग्रुप भी आप ही का ही होना चाहिए और चैनल भी आप ही का ही होना चाहिए, जब भी आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लिक करेंगे इस पे। मैंने चैनल को ओपन कर लिया है। ठीक है, तो देखिए, तो जैसे ही मैंने चैनल पे क्लिक किया तो यहाँ पर पहला जो हमारा कर्सर है वो गो बैक पे गया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है गाइस, लेफ्ट टू राइट की ओर स्वाइप करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सब्सक्राइबर दिखा रहा है 115, यानी 115 सब्सक्राइबर हैं। तो यहाँ पर इस पे क्लिक करना है, आपके जो चैनल होगा वो बताएगा, जितने सब्सक्राइबर्स होंगे उतना वो भी वो बताएगा। ठीक है, तो आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं क्लिक कर दूंगा। तो क्लिक करते ही गाइस पहला हमारा ऑप्शन गया एडिट पे। ठीक है, तो एडिट पे क्लिक कर देना है सिंपली आपको। तो मैं एडिट पे क्लिक करूंगा। चलिए मैंने क्लिक कर दिया है। तो यहाँ से आप नाम वगैरह चेंज कर सकते हो, तो मैंने पार्ट 3 में बताया था। चलिए आगे चलेंगे। इमोजी, सेट न्यू फोटो और वीडियो, ये यहाँ से फोटो वगैरह सेट कर सकते हो। ठीक है, चैनल टाइप पब्लिक, तो गाइस मैंने इसे पब्लिक कर रखा है। अगर आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे राष्ट्रीय ब्लाइंड तो आपको ऊपर ही मिल जाएगा हमारा चैनल, है ना। आगे चलेंगे। डिस्कशन ऐड अ ग्रुप चैट फॉर कमेंट्स, तो गाइस ये ऑप्शन है डिस्कशन ऐड अ ग्रुप चैट कमेंट, दोबारा सुन लीजिए, डिस्कशन ऐड अ ग्रुप चैट फॉर कमेंट्स, ऐड अ ग्रुप चैट फॉर कमेंट्स। तो इस पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है, लेकिन उससे पहले इसके बगल में एक ऑप्शन है ऑन साइन मैसेजेस, ऐड नेम्स ऑफ एडमिंस टू द मैसेजेस दे पोस्ट स्विच। तो गाइज ये वाला जो ऑप्शन है आपको इसको ऑन रख देना है। देखिए, ये पहला ऑप्शन है डिस्कशन ऐड अ ग्रुप चैट कमेंट, इसके बगल में एक ऑप्शन है साइन मैसेजेस, ऐड नेम्स ऑफ एडमिंस टू द मैसेजेस दे पोस्ट स्विच। ठीक है, तो इसको आपको ऑन रखना है। तो ऐड अ ग्रुप चैट कमेंट पे क्लिक करेंगे, डिस्कशन ऐड अ ग्रुप चैट फॉर कमेंट्स, डिस्कशन डबल टैप ऐड अ ग्रुप चैट फॉर कमेंट्स। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे। चलिए मैंने क्लिक कर दिया है डिस्कशन, प्रेस सेलेक्ट टू एक्टिवेट। आगे चलेंगे, गो बैक बटन, डिस्कशन गो बैक, ये गो बैक, सेलेक्ट अ ग्रुप चैट दैट विल होस्ट कमेंट्स फ्रॉम योर चैनल इन लिस्ट फॉर आइटम्स। तो गाइस इसका कहने का मतलब है कि अगर आपके चैनल पर कोई कमेंट करेगा तो आपके ग्रुप में आएगा वो। ठीक है, जिसे ग्रुप में कोई मेंबर्स मैसेज नहीं डालता उसी तरीके से आएगा। ठीक है, अगर आपके चैनल पर कोई कमेंट वगैरह करेगा, मतलब कुछ भी भेजेगा, तो वो सीधा आपके ग्रुप में आएगा मैसेज की तरह। ठीक है, आगे चलेंगे, क्रिएट अ न्यू ग्रुप, क्रिएट अ न्यू ग्रुप। तो गाइस अगर आपके पास कोई ग्रुप नहीं है तो यहाँ से आप क्रिएट भी कर सकते हो, है ना। अगर आपके पास ग्रुप है तो उसके बाद में आपके ग्रुप का नाम आ जाएगा, लेकिन ध्यान रहे वो ग्रुप आप ही का ही होना चाहिए, तभी नाम आएगा। चैनल भी आपका होना चाहिए, ग्रुप भी आप ही का होना चाहिए, है ना। तो चलिए आगे चलेंगे। ऑडियो स्टोरी टीवी, 3 मेंबर्स। ठीक है, तो जैसे मेरा ग्रुप है ऑडियो स्टोरी टीवी, तो यहाँ पर मेंबर्स भी दिखा रहा है, तो सिंपली इस पे मुझे क्लिक कर देना है। चलिए मैंने क्लिक कर दिया। Make Audio Story TV the discussion board for Rashtriya Blind. Anyone from the channel will be able to see messages in this group out of list. तो गाइस ये कह रहा है कि ये देखिए, इसको दोबारा से मैं एक बार आपको सुना देता हूँ। Make Audio Story TV the discussion board for Rashtriya Blind. Anyone from the channel will be able to see messages in this group. हाँ, तो गाइस ये कह रहा है कि अगर आप मतलब आपके चैनल पर कोई भी कमेंट करेगा तो ये सीधा ग्रुप में आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैसेज आता है उस तरीके से ग्रुप में आ जाएगा और आपके जो ग्रुप के मेंबर्स हैं वो मैसेज देख पाएंगे। ठीक है, चैनल पे मतलब जो भी आएगा, आपके जो भी चैनल पर कमेंट करेगा वो मैसेज देख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। कैंसिल, यहाँ पर आ रहा है, दो ऑप्शन आ रहे हैं, कैंसिल और दूसरा ऑप्शन देखते हैं, लिंक ग्रुप। ठीक है, अगर आप लिंक पे क्लिक कर देंगे तो लिंक हो जाएगा और कैंसिल कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा। फिलहाल तो मैं इसे कैंसिल करूंगा, नहीं लिंक करूंगा। ठीक है, cancel. है ना, बाकी मैंने आपको तरीका बता दिया, अगर आप ग्रुप से जोड़ना चाहते हो तो आप जोड़ सकते हो। चलिए मैं इसे कैंसिल कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं अभी बैक करूंगा इसको और इसको एक बार रिपीट कर लूंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, है ना। एक मिनट, हाँ मैं बैक करूंगा पहले इसको। Edit.
चैनल। तो गाइज अगर आप टेलीग्राम मतलब किसी अगर आपका कोई टेलीग्राम पर चैनल है या कोई टेलीग्राम पे चैनल और ग्रुप है, तो अगर आप चाहते हो कि अपने चैनल को अपने ग्रुप के साथ लिंक करना यानी जोड़ना, तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है कि वो ग्रुप भी आप ही का होना चाहिए और चैनल भी आपका होना चाहिए। चैनल को जोड़ने के लिए सिंपली आपको अपने चैनल में क्लिक करना है। चैनल में क्लिक करने के बाद आपको आपका कर्सर जाएगा, वो जाएगा गो बैक पे। तो आपको सिंपली करना क्या है, लेफ़्ट टू राइट की ओर स्वाइप करना है, तो वहाँ पर आपके चैनल का नाम आएगा और जितने सब्सक्राइबर्स होंगे वो दिखाएगा, ठीक है। उस पर क्लिक करना है, सिंपली आपका कर्सर जो है एडिट पर जाएगा, आपको एडिट पर क्लिक कर देना है। तो वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा ऐड ग्रुप चैट फॉर कमेंट, ठीक है। लेकिन उसके बगल में जो ऑप्शन है उसको आपको ऑफ रहेगा, तो उसे आपको ऑन कर देना है। तो ऐड ग्रुप चैट और कमेंट, ऐड ग्रुप चैट फॉर कमेंट्स पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद वहाँ से आप न्यू ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हो। और आपके पास ग्रुप नहीं है तो अगर आपके पास ग्रुप है तो क्रिएट ग्रुप के बाद आपके ग्रुप का नाम आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप अपने ग्रुप के नाम पर क्लिक करेंगे तो स्वाइप करेंगे तो आपको वहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, एक आएगा कैंसिल और एक आएगा लिंक ग्रुप। तो अगर आप कैंसिल करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, लिंक ग्रुप पर क्लिक कर देंगे तो वो लिंक हो जाएगा। सिंपली आपके चैनल पर जो भी कोई कमेंट करेगा तो सीधा ग्रुप में आएगा, मैसेज की तरह से मैसेज आता है ग्रुप में, ठीक है। तो उसी तरीके से आएगा। तो भाई चलिए आप देख लेते हैं ग्रुप की कुछ और सेटिंग। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आप ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कौन मतलब आपके ग्रुप के मेंबर जो हैं वो क्या मैसेज भेज सकते हैं और क्या मैसेज नहीं भेज सकते हैं। और गाइस ये भी आप कर सकते हैं कि आपके ग्रुप का कोई भी मतलब कोई एक मेंबर क्या मैसेज भेज सकता है क्या नहीं, यानी एक मेंबर पर भी आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो क्या भेज सकता है क्या नहीं। चलिए पहले ग्रुप में चलेंगे, है ना, उसके बाद आपको बताते हैं, है ना। चलिए ऑडियो स्टोरी टीवी हमारा ग्रुप है, उस पर क्लिक करेंगे। ऑडियो स्टोरी टीवी, हाँ, तो यहाँ पर हमारा कर्सर गया है गो बैक पे। तो हमें करना क्या, लेफ्ट टू राइट की ओर स्वाइप करना है। ऑडियो स्टोरी टीवी, थ्री मेंबर्स टू ऑनलाइन, तो ये दिखा रहा है ऑडियो स्टोरी टीवी थ्री मेंबर, यानी तीन मेंबर है अभी इस ग्रुप में है। तो सिंपली मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, है ना। तो गाइस पार्ट थ्री में मैंने इसमें काफ़ी सेट मतलब कुछ सेटिंग दिखाई थी और कुछ सेटिंग में नहीं मैंने नहीं भी दिखाई थी। अगर मैं सारी सेटिंग दिखाता तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है ना, 35 मिनट की तो वैसे भी हो ही गई थी। चलिए क्लिक करेंगे इस पर, एडिट बटन। तो यहाँ पर हमारा कर्सर गया एडिट पे, ठीक है। सिंपली ग्रुप को ओपन किया हमने, तो पहला हमारा कर्सर आया गो बैक, उसके बाद हमने क्या किया, लेफ्ट टू राइट की ओर स्वाइप किया, तो वहाँ पर हमारे ग्रुप का नाम बताया, कितने मेंबर थे वो बताया। उस पर जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन मतलब एडिट पे हमारा कर्सर गया, तो सिंपली हमें एडिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ऑडियो स्टोरी टीवी एडिट बॉक्स ग्रुप नेम, तो यहाँ ये ग्रुप का नाम है, यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं, आगे चलेंगे। ये इमोजी है, सेट फोटो वीडियो, ये सब तो मैंने आपको पार्ट थ्री में बता दिया था, है ना, आगे चलेंगे। डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल एडिट बॉक्स, डिस्क्रिप्शन वगैरह आप डाल सकते हो, है ना, आगे चलेंगे। ग्रुप टाइप प्राइवेट, यहाँ से पब्लिक कर सकते हो, वो भी मैंने आपको बता दिया था पार्ट थ्री में। तो अगर आप लोगों ने टेलीग्राम का पार्ट थ्री या पार्ट वन पार्ट टू नहीं देखा तो आप चैनल में विजिट करके टेक्नोलॉजी वाली प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, आगे चलेंगे। चैट हिस्ट्री फॉर न्यू मेंबर्स हिडन, तो गाइज ये मैं आपको आने वाली वीडियो यानी अगली वीडियो में बताऊंगा, या जब मैं पार्ट फाइव या सिक्स लेके आऊंगा तब बताऊंगा, आगे चलेंगे। रिएक्शन 2929, तो गाइज ये जो ऑप्शन है ये आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि जो आपके ग्रुप के मेंबर हैं वो क्या क्या रिएक्शन दे सकते हैं, क्या क्या ग्रुप में रिएक्शन नहीं दे सकते हैं। और आप पूरा रिएक्शन भी ऑफ कर सकते हो कि कोई भी रिएक्शन आपके ग्रुप के मेंबर दे ही ना पाए। चलिए इस पे क्लिक करेंगे आगे, है ना, बताते हैं आपको ये क्या है। रिएक्शन, आगे चलेंगे। गो बैक, आगे चलेंगे। अनेबल रिएक्शंस स्विच, तो ये जो हमारा पहला ऑप्शन है अनेबल रिएक्शन, तो गाइज अगर आप इसको ऑफ रखते हैं तो आपके ग्रुप के मेंबर कोई भी रिएक्शन नहीं दे पाएंगे, ठीक है। और आप सेलेक्ट भी कर सकते हो कि ग्रुप के मेंबर क्या क्या रिएक्शन दे पाए क्या क्या रिएक्शन ना दे पाए। अगर आप इसको ऑफ करते हो तो कोई भी मेंबर कोई सा भी रिएक्शन नहीं दे सकता। अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई हम डिसाइड करेंगे क्या क्या रिएक्शन दे पाए क्या क्या रिएक्शन ना दे पाए, सिंपली आपको इसको ऑफ नहीं करना है, इसको ऑन रखना है। सिंपली देखिए आगे चलेंगे। Allow members to react to group messages, ठीक है, आगे चलेंगे। ये देखिए Allow members to react to group messages, आगे चलेंगे। Available reactions, ये available reaction, तो इसके बगल में सारे reactions आ जाएंगे। तो आपको जोन सा reaction नहीं रखना है तो आप उसे off रख सकते हो, ठीक है। On thumbs up switch, तो ये on thumbs up, अगर आप चाहते हो कि ये reaction member ना दे पाए तो उसको आप ऑफ रख सकते हो, नहीं तो ऑन तो खैर ये रहता ही है, ठीक है, आगे चलेंगे।
On, thumbs down, switch. Thumbs down, ठीक है? On, red heart, red heart. On, fire, तो मतलब इसमें आपको कोई सा भी रिएक्शन नहीं रखना है, तो आप उसे सिंपली ऑफ रख सकते हो, ठीक है? On, smiling face with heart. चलिए, पीछे चलेंगे. Allow member. On, enable reactions, switch. ठीक है, enable reaction अगर आप चाहते हो कोई सा भी रिएक्शन ना दे पाए, तो उसको सिंपली ऑफ रख सकते हो, ये वाला ऑप्शन अनेबल रिएक्शन, ठीक है, इसको आप ऑफ रख सकते हो. बाकी आप चाहते हो कि ये रिएक्शन ना दे पाए, ये रिएक्शन दे पाए, तो ये देखिए अवेलेबल रिएक्शन पे सारे अवेलेबल रिएक्शन के बाद सारे रिएक्शन आ जाएंगे. तो अब जितने रिएक्शन को ऑफ कर दोगे, उतने रिएक्शन आपके ग्रुप के मेंबर नहीं देख पाएंगे. तो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप समझ पाए होंगे, है ना? तो चलिए बैक करते हैं और आपको आगे अब आगे चलते हैं, है ना? तो ये आपको समझ में आया होगा. Audio story, TV, edit box, group name, emoji. है ना? आगे चलेंगे. Group type, chat history for new reactions, 2929. तो गाइस, यहाँ पर मैं आपको ये दोबारा बताता हूँ, अगर आपको रिएक्शन वाला ऑप्शन बंद करना है, तो आपको सिंपली अपने ग्रुप पे क्लिक करना है, ठीक है? ग्रुप पे क्लिक करने के बाद आपको लेफ्ट टू राइट की ओर स्वाइप करना है. वहाँ पे आएगा आपके ग्रुप का नाम, जितने मेंबर होंगे वो दिखाएगा, उस पर क्लिक करना है. एडिट में जाना है तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ये वाला, ये रिएक्शन वाला ऑप्शन मिलेगा. तो अनेबल रिएक्शन को अगर आप ऑफ रखेंगे, तो कोई सा भी मेंबर कोई भी रिएक्शन, मतलब कोई भी मेंबर कोई भी रिएक्शन नहीं दे पाएगा. अगर आप अपने हिसाब से रिएक्शन चूज करके उसे ऑफ करेंगे, तो जो जो रिएक्शन आप ऑफ करोगे, केवल वही रिएक्शन नहीं दे पाएगा. चलिए आगे चलेंगे. परमिशन 88, ठीक है? तो गाइस, ये जो परमिशन वाला ऑप्शन है, इसमें आप डिसाइड कर सकते हो कि मतलब आपके जो ग्रुप के मेंबर हैं, वो क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं और क्या क्या एक्टिविटी नहीं कर सकते, यानी क्या क्या भेज सकते हैं, क्या क्या नहीं भेज सकते, आप डिसाइड कर सकते हो. चलिए क्लिक करेंगे इस पे. परमिशन, है ना? आगे चलेंगे. गो बैक, आगे चलेंगे. सर्च एक्सेप्शन, तो यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हो. आगे चलेंगे. यहाँ से ये डन अभी नहीं करना, डन आपको तभी करना है जब आपको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? आगे चलेंगे. What can members of this group do? What can members in this group do? ठीक है, आगे चलेंगे. On, switch, send messages. On, switch, send message. तो अगर आप चाहते हैं कि कोई मैसेज सेंड ना कर पाए, तो आप इसको यहाँ से ऑफ रख सकते हो. आगे चलेंगे. On, switch, send media. Send media. अगर आप चाहते हैं कि कोई मीडिया फाइल सेंड ना कर पाए, तो आप यहाँ से इसको ऑफ रख सकते हो. On, switch, send stickers and gifts. तो आप चाहते हैं स्टिकर एंड गिफ्ट, ये देखिए. On, switch, send stickers and gifts. Stickers and gifts. अगर आप चाहते हैं कि ये कोई सेंड ना कर पाए, तो आप इसको ऑफ रख सकते हो, ठीक है? आगे चलेंगे. Switch, send polls. Send polls. तो अगर आप चाहते हैं कि ये सेंड ना कर पाए, तो आप उसे ऑफ रख सकते हो, ठीक है? आगे चलेंगे. On, switch, unbanned links. Unbanned link. तो अगर आप चाहते हो कि लिंक सेंड ना कर पाए, तो आप इसको यहाँ से ऑफ कर सकते हो. आगे चलेंगे. On, switch, add users. Add users. Double tap. तो गाइस, ये वाला जो ऑप्शन है, मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मान लो अगर आप टेलीग्राम पर कोई ग्रुप क्रिएट करते हो, तो टेलीग्राम में एक फीचर है कि अगर आप इस ऑप्शन को ऑफ नहीं रखते हो, ये देखिए, ऐड यूजर्स, तो कोई भी मेंबर भी आपके ग्रुप में मतलब ऐड कर सकता है किसी को भी. जैसे मान लो मैं किसी ग्रुप का मेंबर हूँ, एडमिन नहीं हूँ, तो मैं भी ग्रुप में किसी भी पर्सन को ऐड कर सकता हूँ, ठीक है? ऐड यूजर्स, तो यहाँ पर आप ऐड इसको ऑफ, अगर इसको ऑफ कर दोगे, तो कोई भी मेंबर ग्रुप में ऐड नहीं कर पाएगा किसी को भी, ठीक है? आगे चलेंगे. पिन मैसेज, तो अगर आप इसको ऑफ रखते हो, तो कोई भी मेंबर आपके ग्रुप के मैसेज को पिन नहीं कर सकता. आगे चलेंगे. चेंज चैट इन्फो, अगर आप इसको ऑफ करते हो, तो कोई भी ग्रुप चैट इन्फो चेंज नहीं कर सकता. आगे चलेंगे. स्लो मोड, आगे चलेंगे. आगे चलेंगे. Choose how long each member must wait before sending their next message. तो गाइस, अब ये इसका कहने का मतलब ये कि आप अपने हिसाब से मेंबर चूज कर सकते हो कि कौन मेंबर क्या क्या एक्टिविटी कर पाए, कौन मेंबर क्या ना कर पाए, ये अपने हिसाब से चूज कर सकते हो. देखिए, इसके बगल में एक ऑप्शन है, add exception. इस पे क्लिक करेंगे. add exception. है ना? add exception. तो गाइस, ये जो ऑप्शन है, अगर आप अपने हिसाब से कोई जितने भी आपके ग्रुप के मेंबर है, अगर आप उनमें से चाहते हो कि ये मेंबर ये एक्टिविटी कर पाए, ये मेंबर ये एक्टिविटी ना कर पाए, है ना, तो आप चलिए आगे चलेंगे. गो बैक, सर्च बटन. यहाँ से आप सभी मेंबर, मतलब यहाँ से आप ग्रुप के मेंबर्स को सर्च कर सकते हो. आगे चलेंगे. कॉन्टैक्ट इन दिस ग्रुप, तो इसके बगल में जितने भी आपके ग्रुप के मेंबर होंगे, वो दिखाने लग जाएंगे, ठीक है? ठीक है, तो ये एक मेंबर है, चलिए इस पे क्लिक करेंगे. आगे चलेंगे. What can this user do? है ना? तो आगे चलेंगे. On, switch, send message. तो अगर आप इसको, अगर आप add exception पे क्लिक करके contact, मतलब कोई group, कोई member select करते हो, तो देखिए. On,
ऑन स्विच सेंड मैसेज तो इस पे अगर आप इसको ऑफ कर देते हो तो केवल यही बंदा मैसेज सेंड नहीं कर सकता, बाकी सभी ग्रुप के मेंबर कर सकते हैं। ठीक है, सेंड मीडिया तो अगर इसको आप ऑफ करोगे तो केवल यही व्यक्ति मीडिया फाइल सेंड नहीं कर सकता, बाकी सारे ऑप्शन सेम है ना। स्टिकर्स एंड किट्स तो है ना, बाकी सारे सेम है। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे, ban and remove from group, ban and remove from group in list 16 items, window user permissions, to user permission, इस पे भी इसको भी दिखा देता हूं मैं, permission, add exception, out of list, है ना, चलिए back करेंगे, है ना, button, audio story, emoji, button, set photo, तो एक बार उस ऑप्शन में दोबारा चलेंगे हम, तो permission पे क्लिक करेंगे, permissions, है ना। तो गाइज यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप कुछ भी सेलेक्ट करेंगे, देखिए एक मिनट, तो देखिए व्हाट कैन मेंबर्स इन दिस ग्रुप डू, ठीक है, तो यहाँ पर आप कुछ भी मतलब कुछ भी सेलेक्ट करेंगे, मान लो आपने इसको ऑफ कर दिया कि ये बंदा मैसेज सेंड ना कर पाए, तो यहाँ से आप इसको डन कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल मैं डन नहीं करूंगा, बैक करूंगा मैं इसको, अनसेव करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे यहाँ से। ठीक है, ठीक है, तो गाइज यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए रिएक्शंस ऑफ ये परमिशन 88, ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे, व्हाट कैन मेंबर्स इन दिस ग्रुप डू, ठीक है, स्विच सेंड मैसेज, तो गाइज यहाँ पर अगर मान लो सेंड मैसेज किसी भी ऑप्शन को आप ऑफ रखते हो, सिंपली यहाँ पर आपको डन का ऑप्शन ढूंढ के डन कर देना है। अगर आप डन नहीं करेंगे तो ग्रुप की सेटिंग चेंज नहीं होगी। ठीक है, जैसे मान लो आपने सेंड मैसेज को ऑफ कर दिया, ठीक है, चाहे मेंबर के साथ करें, चाहे मतलब चाहे किसी पर्टिकुलर एक मेंबर के साथ करें या पूरे ग्रुप मेंबर्स के साथ करें, तो आपको सिंपली डन कर देना है। ठीक है, यहाँ पर है ना, डन कर देना, डन कर देंगे तो ये सेटिंग चेंज हो जाएगी, यानी सेंड मैसेज वाला ऑप्शन ऑफ ही रहेगा। अगर आप डन नहीं करेंगे, सीधा बैक करेंगे, तो ये ऑप्शन आ जाएगा आपको, ठीक है, अनसेव आ जाएगा, डिस्कार्ड करेंगे तो डिस्कार्ड हो जाएगा, और You have changed settings in this group. Setting, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से सेटिंग आप चेंज कर पाओगे। चलिए डिस्कार्ड करेंगे फिलहाल हम, है ना? तो मैं यहाँ पर अब आता हूँ अपनी होम स्क्रीन पे और इसको एक बार रिपीट कर लेता हूँ। ठीक है, ऑडियो स्टोरी टीवी एडिट बैक, इसको एक बार रिपीट कर लेता हूँ, पहले मैं अपने होम स्क्रीन पे आता हूँ, है ना, टेलीग्राम iOS launcher folder home screen to home screen। तो गाइज आज मैंने आपको बताया कि आप टेलीग्राम पर अगर आपका कोई चैनल है तो आप उसे अपने ग्रुप से किस तरीके जोड़ सकते हो, यानी टेलीग्राम ग्रुप से किस तरीके जोड़ सकते हो। तो गाइज उसके लिए मैंने एक दो बारी रिपीट किया और अभी भी रिपीट कर रहा हूँ कि चैनल भी आप ही का होना चाहिए, ग्रुप भी आप ही का होना चाहिए। सिंपली आपको करना क्या है, ग्रुप से जोड़ने के लिए आपको सिंपली अपने चैनल पर क्लिक कर देना है। चैनल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको सिंपली लेफ्ट टू राइट की ओर स्वाइप करना है ना, उसके बाद आपको आपके चैनल का नाम आएगा, आप चैनल का नाम बताएगा और कितने सब्सक्राइबर हैं वो बताएगा। ठीक है, उस पर क्लिक करना है, सिंपली आपका कर्सर जाएगा एडिट पे, एडिट पे क्लिक करना है, तो वहाँ पर एक ऑप्शन है ऐड ग्रुप चैट फॉर कमेंट्स। ठीक है, उस पर क्लिक करने से पहले बगल में स्वाइप करना है आपको, तो वो जो ऑप्शन है उसको आपको ऑन रखना है। ठीक है, उसको ऑन करने के बाद ऐड ग्रुप चैट फॉर कमेंट्स पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप न्यू ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हो। अगर आपके पास ग्रुप नहीं है तो वहाँ पर ऑप्शन है क्रिएट ग्रुप, क्रिएट ग्रुप के बगल में अगर आपका कोई ग्रुप होगा तो उसका नाम आ जाएगा, तो उस पर क्लिक सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना है। वहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक आएगा कैंसिल और एक आएगा लिंक ग्रुप। लिंक ग्रुप पर क्लिक करेंगे तो आपको ग्रुप लिंक हो जाएगा, और कैंसिल करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। अगर आप लिंक करते हैं तो कोई भी मेंबर अगर आपके चैनल मतलब कोई भी जितने भी आपके चैनल के सब्सक्राइबर्स होंगे वो आपके चैनल पर अगर कुछ भी कमेंट करेंगे तो सीधा आपके ग्रुप में जाएगा मैसेज की तरह। ठीक है, और वही बात कर लेते हैं गाइस ग्रुप की जो मैंने आपको सेटिंग दिखाई उसकी। तो गाइस अगर आप चाहते हैं कि ग्रुप के मेंबर अगर कोई भी रिएक्शन ना दे पाए, सिंपली आपको करना क्या है, अपने ग्रुप में मतलब अपने टेलीग्राम ग्रुप को ओपन कर लेना है। सिंपली आपका कर्सर जाए गो बैक पे, तो आपको करना क्या है लेफ्ट टू राइट की ओर स्वाइप करना है, तो आपके ग्रुप का नाम आएगा, कितने मेंबर होंगे वो दिखाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर क्या नाम है उस पर आपको क्लिक करना है, सिंपली आपको एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, एक आएगा रिएक्शन 29 ऐसा करके आएगा, रिएक्शन पे क्लिक करना है। तो वहाँ पर आप चाहते हो कि कोई भी मेंबर कोई भी रिएक्शन ना दे पाए तो जो अनेबल रिएक्शन होगा आप उसे ऑफ रख सकते हो। ठीक है,
और अगर आप चाहते हो कि ये रिएक्शन ना दे पाए, मतलब ये रिएक्शन दे पाए, ये रिएक्शन ना दे पाए, तो स्वाइप स्वाइप करके आप रिएक्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं, थम्स अप का चिन्ह, मतलब थम्स अप, थम्स डाउन। तो आप अपने हिसाब से जिस रिएक्शन को भी ऑफ रखोगे, मतलब ऑफ कर दोगे, तो वो रिएक्शन नहीं दे पाएगा। इसे मान लो आपने जितने रिएक्शन को भी आपने ऑफ कर दिया, तो वो रिएक्शन मेंबर नहीं दे पाएगा। ऑफ करने के बाद आपको सिंपली बैक कर देना है बस, ठीक है? आपको डन नहीं करना है, वहाँ पे डन का ऑप्शन नहीं आएगा, सीधा ही बैक कर देंगे तो रिएक्शन जो आप ऑफ रखेंगे वो ऑफ हो जाएगा, ठीक है? और हम बात करें तो यही परमिशन की, इसे मान लो अगर आप चाहते हो क्या क्या मेंबर एक्टिविटी कर पाए, क्या क्या ना कर पाए, ठीक है? मतलब क्या क्या मेंबर भेज पाए, क्या क्या ना भेज पाए, तो आपको परमिशन में एक जगह आएगा परमिशन, ठीक है? तो परमिशन पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है, वहाँ पर आएगा कि आप मतलब ये आप डिसाइड कर सकते हो क्या क्या मेंबर भेज सकते, जैसे इमोजी स्टिकर वाले ऑप्शन, मतलब स्टिकर एंड गिफ्ट्स पे अगर आप उसको ऑफ रखते हो तो वो ऑफ हो जाएगा। एवेंट लिंक पे क्लिक करोगे तो लिंक ऑफ हो जाएगा। मतलब जो भी आपको ऑफ रखना है ऑफ करके सिंपली आपको डन कर देना है ना? आप डन कर देंगे तो वो ऑफ ही रहेगा, फिर जो जिसको भी आप ऑफ रखोगे तो वो चीज़ ग्रुप का मेंबर नहीं कर पाएगा, यानी वो नहीं भेज पाएगा, ठीक है? और वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा एड एक्सेप्शन का, यानी आप अपने हिसाब से कॉन्टैक्ट भी चूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे कि मान लो आप चाहते हो कि यही मेंबर केवल ये ना भेज पाए, तो आपको सिंपली एड एक्सेप्शन पर क्लिक कर देना है, तो कॉन्टैक्ट इन दिस ग्रुप के बाद आप जितने भी आपके ग्रुप के मेंबर्स होंगे सारे दिखाने लेंगे। तो सिंपली किसी जिस भी कॉन्टैक्ट को आप चाहते हो कि ये व्यक्ति ये चीज़ ना भेज पाए, तो सिंपली उस पर आपको क्लिक कर देना है ना? उस पर क्लिक करने के बाद आप चूज़ कर सकते हो कि ये व्यक्ति क्या क्या ना भेज पाए, मतलब क्या क्या ना सेंड कर पाए, आप अपने हिसाब से उसको ऑफ रख सकते हो, ठीक है? ऑफ करने के बाद सिंपली आपको डन कर देना है, ठीक है? डन कर देंगे तो आपका जो है वो हो जाएगा, है ना? तो वो व्यक्ति वो चीज़ नहीं बेच पाएगा। और ग्रुप के मेंबर, मतलब आप चाहते हो सभी मेंबर्स को अगर आप चाहते हो कि ये चीज़ ना बेच पाए, तब भी आपको डन कर देना है, ठीक है? और लेकिन हाँ, रिएक्शन अगर आप रिएक्शन को ऑफ करोगे तो वहाँ पर डन का ऑप्शन नहीं आएगा। अगर आप परमिशन, अगर आप चाहते हो कि ये चीज़ ये ना बेच पाए, मेंबर ना बेच पाए, ग्रुप का कोई भी ना बेच पाए, तो वो चीज़ को ऑफ रख के आपको डन कर देना है ना? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ पाए होंगे। अगर इस वीडियो को लेकर के अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, नहीं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या फिर हमारे चैनल के अबाउट पर से हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, है ना? तो मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो गाइज, अगर वीडियो लंबी हो गई तो माफ़ी चाहूँगा, है ना? मैंने आपको सब कुछ डिटेल में समझाया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ गाइज कि आप लोग इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखे होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सभी के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा गाइज, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत भी लगती है और 15 लाइक का टारगेट है, पूरा जरूर कीजिएगा, है ना? तो गाइज, यहाँ पर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँ कि टेलीग्राम का जो मैंने पार्ट 3 अपलोड किया था आप लोगों के लिए, तो गाइज यार उसमें बहुत कम व्यूज़ आए थे और लाइक भी बहुत कम आई थी। तो गाइज आप लोग वीडियो को शेयर किया कीजिए ताकि और भी लोग हमारी वीडियो को देख पाएँ और कुछ सीख पाएँ। तो रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से कि जितना आप लोग हमारी मूवी स्टोरी में सपोर्ट करते हो, उतना टेक्नोलॉजी वीडियो में भी सपोर्ट किया कीजिए, है ना? क्योंकि टेक्नोलॉजी वीडियो भी बहुत काम की होती है। तो गाइज यहाँ पर मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आप लोग को एक चीज़ बता दूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल पर अब एक मूवी और आने वाली है। जो पुराने लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको भी और जो नए हैं उनको भी बता दूं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर एक मूवीज और आने वाली है। तो गाइस जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें, है ना? तो अगर आप लोगों ने हमारी मूवीज़ नहीं देखी है तो हमारी मूवी स्टोरी वाली प्ले लिस्ट में जा कर के हमारी मूवीज़ को भी आप लोग देखें, है ना? काफ़ी अच्छी अच्छी मूवी, अच्छी अच्छी स्टोरी है, है ना? और सॉन्ग अगर आप लोगों ने हमारे चैनल पर जो सॉन्ग अपलोड है वो भी अगर आप सुनना चाहते हो तो सॉन्ग वाली प्लेलिस्ट में जाकर के सुन सकते हो, है ना? बाकी बहुत सारी प्लेलिस्ट, मतलब काफ़ी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी, जैसे कि टॉपिक, इंटरव्यू, है ना? तो जो भी आपको सुनना हो वो आप सुन सकते हैं। तो चलिए गाइस, मैं ज़्यादा आप कुछ नहीं बोलूँगा, है ना? तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर तो आप कर ही देना। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, मतलब किसी ऐसे किसी नेक्स्ट कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिएगा राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल। थैंक यू।